नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये आपको तब काम आएगा जब आप बहुत जल्दी में कुछ बनाना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाना चाहते हो, या फिर आपके घर में मेहमान आया है उसे आपको जल्दी से बना के खिलाना चाहते हो, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत काम की चीज है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर आप देख ही रहे हो, मैंने बहुत ही कम तेल यहाँ पर यूज किया है। आप इतना ही तेल यूज कीजिए, ज्यादा तेल इसमें बिल्कुल नहीं लगता है। तो अब मैं इसमें पांच फोरन मैंने ऐड किया। पांच फोरन एक बंगाली नेम है मसालों का, जिसमें पांच मसाले का मिश्रण होता है, कलौंजी, मेथी, सौंफ, जीरा और अजवाइन। ये पांच मसालों का मिक्सचर ही हम पांच फोरन कहते हैं। अब मैंने इसमें आलू, जो बॉईल किया हुआ आलू है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आलू भी बॉईल करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, प्रेशर कुकर में करीबन 5 मिनट से भी कम समय में ये आलू जो है वो बॉईल होके बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी। एक चीज याद रखिएगा, जब आप इसे पकाते हो तो हाई से मीडियम फ्लेम में ही पकाइएगा, लो बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आलू जो है वो और भी ज्यादा गल जाएगा। और मुझे चाहिए बिल्कुल कुरकुरा आलू, जो कि अच्छे से बिल्कुल रेड रेड होके पक सके। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। इसमें मसाले भी जो है वो बहुत ही कम लगते हैं, बिल्कुल ही मसाले में एक्स्ट्रा और कुछ नहीं डालूंगी, बस इसी से बनाऊंगी। ये खाने में बहुत ही अमेजिंग होता है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूंगी मीडियम फ्लेम में। ये जैसे थोड़ा सा पक जाए उसमें मैं थोड़ा सा शुगर ऐड करूंगी। शुगर से ये मीठा नहीं होगा सब्जी, लेकिन जो इसका टेस्ट है उसे एनहेंस करेगा और इसमें कलर भी जो है वो बहुत ही बढ़िया सा आएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल 1/2 टीस्पून से भी कम मात्रा में। और आप देख सक रहे हो मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ और थोड़ा सा मैश कर रही हूँ आलू को, जिससे कि ये जो मैं जब इसका ग्रेवी तैयार हो तो बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा ग्रेवी हो। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप कितना तीखा पसंद करते हो, या फिर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो उन्हें कितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप जो है हरी मिर्च कम ज्यादा कीजिएगा, लेकिन हरी मिर्च थोड़ी बहुत दीजिएगा जरूर, इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा। अब हम जैसे आपको लगे कि ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल रेड रेड हो गया, अच्छे से फ्राई हो गया है, तब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा पानी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पोटैटो जो है वो यहाँ पर बॉइल्ड है, तो हम इसकी ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं और मसाले जो है वो भी अच्छे तरीके से पकेंगे, तो हम इसे थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। देखिए ये लगभग तैयार हो चुका है, इसमें धनिया पत्ती ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो जो पांच फोरन का जो एक टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो आज की ये रेसिपी मेरी बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।